रूस के खिलाफ लड़ रहे 40 देश के फाइटर्स, ज़ापोरिज़्या में विदेशी लड़ाकों की बड़ी फौज है, पोलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लड़ाके युद्ध में शामिल हैं, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका के लड़ाके भी शामिल हैं। रूस समर्थक व्लादिमीर रोगोव का बड़ा दावा सामने आया है कि 40 देशों के जो फाइटर जेट्स हैं वो इस वक्त ज़ापोरिज़्या की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और इस युद्ध में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर ज़ेलेंस्की की तरफ से तमाम ऐसे बयान भी सामने आ चुके हैं जहां वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ रशिया से नहीं चल रही है, ऐसे में ईरान को लेकर लगातार हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं, जहां ज़ेलेंस्की भी सामने आ गए दुनिया के सामने। हालांकि इसराइल को दिए जा रहे इंटरव्यू में वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारी सीधी लड़ाई तो ईरान से चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये भी हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस लड़ाई के बीच तमाम ऐसे देश हैं जो अपने हित के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन विशेष तौर पर 40 देश उसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रूस से ये युद्ध कैसे है विशेष। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब व्लादिमीर रोगोव की तरफ से किए जा रहे इस दावे को लेकर इन्फॉर्मेशन आपके सामने। 40 देश के लड़ाके युद्ध में शामिल बताए जा रहे हैं, एक बड़ा दावा किया जा रहा है, खासकर ज़ापोरिज़्या के इलाके में रूस से जिस तरीके से ये लड़ाई का मंजर सामने आ रहा है उसके तहत ये दावा बड़ा है। अब पोलैंड के सबसे ज्यादा लड़ाके युद्ध में शामिल बताए जा रहे हैं, तो ज़ापोरिज़्या की बात की, पोलैंड की बात की और पोलैंड के 5,000 लड़ाके अब यूक्रेन के लिए जिस तरीके से लड़ रहे हैं उसके तहत ये दावा कितना बड़ा है। हालांकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के फाइटर्स के शामिल होने को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, जहां पहली बार जापान के लड़ाकों का यह जिक्र किस आधार पर किया जा रहा है चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए, दावा यह भी है कि अमेरिका और फ्रांस के फाइटर्स भी यहां पर मौजूद हैं। सचदेव सर, इस दावे के तहत कितनी सच्चाई आपको यह नजर आती है कि सामने आमने सामने सिर्फ रशिया और यूक्रेन है लेकिन पीछे बहुत से ऐसे देश है जिनका सपोर्ट ये साफ बता चुका है कि ये वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन है, क्योंकि ये बयान आते हैं सर उसी आधार पर कह रही हूं कि लोग दावा करते हैं कि वॉर तो कई महीनों से यहां पर चल रही है और ये वर्ल्ड वॉर 3 से कम नहीं है। आपने जो कहा है वो कथानक रूस की तरफ से कई बार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पूरे नाटो की का समर्थन हर तरह से एड़ी से चोटी तक यूक्रेन के साथ है और उसी के कथानक को जरा बढ़ाते हुए ये और नॉन नाटो कंट्रीज के भी। बिशलवान सर इस पर एक रिएक्शन, क्या ये जो नैरेटिव रखा गया है रशिया की तरफ से ये वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ, इसमें नाटो कंट्रीज भी है, अगर कोई स्टेप रशिया इनके खिलाफ उठाता है तो उसके पहले इसको एज अ बेस एज अ सपोर्ट रख दिया जाएगा कि देखो उनके लड़ाके पहले रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे यूक्रेन के साथ मिलकर के। बिल्कुल, ये तो परसेप्शन बैटल है जो चलता रहेगा दोनों तरफ से, और जो भी जैसे कि पहले हमने देखा कि यूक्रेन ने एक आरोप लगाया कि रशिया मिसाइल अटैक की तैयारी कर रहा है और वो G20 समिट के दौरान मिसाइल अटैक करेगा, एक भीषण मिसाइल अटैक करेगा, तो ये दोनों तरफ से आगे पीछे बातें चलती रहेंगी। ठीक है। और जो भी दोनों इस चीज को प्रीएम्प्ट करने की ऐसे एक प्रोजेक्शन देंगे कि बिल्कुल अलग अलग दावे और अलग अलग बयान किए जा रहे हैं दोनों ही देशों की ओर से, जिसमें यूक्रेन सबसे बड़ा दावा कर रहा है कि रूस को हमने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।